दौर में मंजर हमने ऐसे भी देखे हैं, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई है। मैं भूपेंद्र नारायण सिंह लम्हों के एक ऐसे ही खता का अभी साक्षी बन रहा हूं। मैं चश्मदीद बन रहा हूं दिल्ली के दो कर्णधारों की उस हरकत का, जिसको देखकर खुद बेशर्मी भी शर्मा उठे। दिल्ली की सांस थामने के लिए जरूरी ऑक्सीजन की जो लड़ाई अदालत में केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार लड़ रही है, वैसी पतित लड़ाई हस्तिनापुर के इतिहास में आज तक नहीं लड़ी गई है। तारीख के तमाम दौर में हस्तिनापुर की हस्ती पर हमला हुआ है। तारीख गवाह है कि हर बार दिलेर दिल्ली ने मिलकर हमलावरों को हराया है। इस बार काल कोरोना के भेष में आया है। कायदे से पूरी दिल्ली को मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़नी चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है? जिन दो सरकारों पर दिल्ली को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है, वो दोनों ऑक्सीजन की आंच में अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकने में मशगूल है। आंसुओं के सैलाब से संपूर्ण दिल्ली में चिताएं धधक रही हैं, हड्डियों के रुदन से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन हमारे दो माननीयों की सियासी शातिरबाजी, अदालत में दोनों एक दूसरे पर तोहमत लगा रहे हैं कि दिल्ली की सांसों पर पहरा हमने नहीं सामने वाले ने लगाया है। अदालत चीख चीख कर कह रही है, बताओ दिल्ली का कसूरवार कौन है, हम उसे फांसी पर लटका देंगे, लेकिन अदालत को सच बताए कौन? चोर चौकीदार बन बैठा है, साहूकार सांसों के व्यापार में सियासी तिजोरी भी भर रहा है। अब केंद्र और केजरीवाल सरकार को देखिए, लड़ाई इस बात पर हो रही है कि ऑक्सीजन अस्पताल तक पहुंचाएगा कौन, लड़ाई इस बात पर भी हो रही है कि दम तोड़ती दिल्ली की सांस को थामेगा कौन। केंद्र सरकार कह रही है कि जीवन रक्षक ऑक्सीजन को अस्पताल तक ले जाने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार पर है। दिल्ली सरकार कह रही है कि प्रकटे पक्षी से परवाज भरने की उम्मीद करना बेमानी होगी। हौसलों की उड़ान के लिए ना तो केजरीवाल सरकार तैयार है, ना केंद्र सरकार। बाकी बची निरीह जनता जो एकत्रे ऑक्सीजन के लिए दोनों सरकारों के चौखट पर अपना सिर पटक रही है। अदालत दोनों सरकारों को फटकार लगा रही है, संकट की इस वेला में मिलकर काम करने की नसीहत दे रही है। मतभेद और मनभेद भुलाकर लोगों की जान बचाने के लिए गुहार लगा रही है, लेकिन दोनों सरकारें ऑक्सीजन आपूर्ति के मुद्दे को एक सियासी मौके के तौर पर भुनाने में जुटी हैं। दोनों अपनी नाकामी को उपलब्धि के तौर पर पेश कर रहे हैं, विज्ञापन देकर अपना चेहरा चमका रहे हैं। दोनों माननीयों, याद रखना, दिल्ली के दिल पर दर्द की जो लकीरें तुमने उकेरी हैं, वो तो वक्त की मलहम से ज़रूर मिट जाएगा, लेकिन तवारीख के इस दौर में तुमने जो कलंक की कथा लिखी है, वो कभी नहीं भुलाई जाएगी। हम कभी नहीं भूलेंगे तुम्हारी ये हरकत, हम कभी नहीं भूलेंगे ये जानलेवा सियासत। सब याद रखेंगे, सब याद दिलाएंगे तुम्हें, तुम्हारे हर जुल्म का हिसाब लेंगे, तुम्हारे हर सितम का जवाब देंगे।